हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आपके साथ मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रहा हूं। वीडियो कुछ दिन पुरानी है, मुझे सही तरह से एडिट करने के लिए टाइम नहीं मिल पाया, वरना मैं पहले आपके साथ शेयर कर देता। बट एनीवेज मेरी अपडेट्स आती रहती हैं, तो उसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले थैंक यू सो मच टू साकिब एन अहमद भाई, उन्होंने ये मुझे वीडियो प्रोवाइड की, सारा क्रेडिट उनको जाता है। और PSL में मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को 3 मैचेस होस्ट करने के लिए दिए गए हैं, तो उसके लिए आप टिकट बाय कर सकते हैं ऑनलाइन भी और अपने करीबी TCS सेंटर से भी बाय कर सकते हैं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को PSL 5 में 3 मैचेस होस्ट करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें होम टीम मुल्तान सुल्तान 26 फरवरी को पेशावर जलमी, 28 को कराची किंग्स और 29 को क्वेटा ग्लेडिएटर्स के अगेंस्ट खेलेगी। अगर स्टेडियम की कैपेसिटी की बात करें तो वो 30 से 35,000 तक है। इस पर मैं काफ़ी डिटेल में पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको स्टेडियम की हिस्ट्री जानी है, स्टेडियम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरी पहली वीडियो जाकर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। आज की वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जो मेन अपडेट्स हैं वो आपके साथ साकिब भाई शेयर कर देंगे, तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं इस तरह स्टेडियम्स पर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आते हैं वीडियो की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जो हमें 3 बार बाहर से जाने के बाद स्टेडियम के अंदर जाने की इजाज़त मिल गई है, गॉड ने बोला है सिर्फ 5 मिनट के लिए, और हमारी खुशी की इंतहा नहीं है। हम इस टाइम मौजूद हैं मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम के, ये आप देखें, अंदर हम जा रहे हैं। अहमद भाई के साथ हूँ मैं, ये देखें अहमद भाई आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, तो ये आप देख लें कि हम इस दफ़ा ये फजल महमूद इनक्लोजर, ये वसीम अकरम इनक्लोजर, हम मुल्तान स्टेडियम के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो बड़ी कोशिशों और मिन्नतों के बाद हमें मुल्तान के स्टेडियम में जाने की इजाज़त मिल चुकी है। वीडियो बना लें 2 मिनट, फिर सेल्फियां लेते हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। ये मुल्तान का स्टेडियम है, वो सामने भी सीट्स हैं, इधर भी येलो एंड वाइट सीट्स हैं। तो यार यहाँ तो बाउंड्री के साथ ही हैं सीट्स वगैरह, ज़्यादा दूर भी नहीं है, मज़ा आएगा है 26 के मैच देखने का। तो ये कितने ऊपर परिंदे भी बैठे हुए हैं। हाँ आ रहा हूँ मैं कह रहा हूँ स्टेडियम का चक्कर ही लगा लें पूरे। हाँ 5 मिनट उन्हें देते हैं, वो कहता 6वां मिनट चल गया ना, फिर देखे। तो आप देख सकते हैं कि बाउंड्रीज जो हैं मुल्तान स्टेडियम की सीट्स के बिल्कुल नज़दीक हैं, कराची और लाहौर की तरह का डिस्टेंस नहीं है। ये देखें जो आगे पिच है, अभी ये ऊपर से ग्रास रिमूव करेंगे। मुल्तान का स्टेडियम माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत है, और ग्रास भी चेक करें फुल ग्रीन है। तो ये मैं इस टाइम, यानी कि ये कौन सा इनक्लोजर है ये तो मुझे नहीं पता, ये मैं इस टाइम इधर ही खड़ा हुआ हूँ। तो देख सकते हैं माशाल्लाह 1, 2, 3, 4, 5 इनक्लोजर्स में सीट्स हैं और 2 में सीढ़ियाँ हैं। तो यानी कि मुल्तान के समझ लें 90% ग्राउंड में सीट्स अवेलेबल हैं, ये आप सब वीडियो में देख सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत है, हमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए अंदर आने की इजाज़त दी गई है, बिकॉज़ यहाँ पे सिक्योरिटी वायर है, तो यानी कि जिस वजह से हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। तो आपके सामने है, जितने भी भाई पूछते हैं यार रेनोवेशन की वीडियो भेजो, वीडियो भेजो, मैं तो उनके लिए है ये वीडियो, ठीक है। ये स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने बहुत ही अच्छे यूट्यूबर दोस्त हामिद भाई। हामिद भाई पाकिस्तान के सबसे अच्छे यूट्यूबर हैं, जो कभी भी फेक चीज़ अपलोड नहीं करते, हमेशा लोगों को ट्रू देते हैं, ना फेक न्यूज़ देते हैं, विद प्रूफ के साथ वो देते हैं। तो हामिद भाई हमारे लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम क्रिकेट फैंस के लिए, तो हमारा भी हक बनता है कि हम अपने सिटी के स्टेडियम की वीडियो हामिद भाई तक पहुँचाएँ। तो यह मैं वीडियो हामिद भाई के लिए बना रहा हूँ, और अपने हामिद भाई का जो क्रिकेट ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें जो मेरे भाई दोस्त हैं उनके लिए यह मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो आप सब देख सकते हैं मुल्तान का स्टेडियम माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा है।
मुल्तान स्टेडियम के अंदर वाली साइड पे आ गए हैं जी। वो जहाँ पे लगी है ना स्क्रीन, वहाँ वो इनक्लोजर है हमारा, वहाँ की हमने टिकट ले ली है। तो यार ग्रास तो बहुत ज़बरदस्त है मुल्तान के स्टेडियम का, फुल ग्रीन। ये जी आप देख सकते हैं मुल्तान के स्टेडियम के अंदर मैं मौजूद हूँ। आज दोबारा अंदर आने की इजाज़त मिली है। तो उस दिन हम इवनिंग में आए थे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं था, तो आज अभी हम यानी कि आए हैं दोपहर के टाइम। ग्रास भी बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है माशाल्लाह मुल्तान के स्टेडियम का, तो बहुत ज़बरदस्त ग्रास है और बड़े लेवल का स्टेडियम बना हुआ है माशाल्लाह। बहुत सफाई ज़बरदस्त हुई है। तो ये आप सब सारा ग्रास यानी कि देख सकते हैं वीडियो के अंदर, माशाल्लाह कितना प्यारा है। वो जो स्क्रीन वाला इनक्लोजर है हनीफ मोहम्मद इनक्लोजर, उसकी हमने टिकट ले ली है, उसकी यानी कि हमें तीनों मैचेस की टिकट्स मिली हैं ऑनलाइन जो हमने परचेज़ की हैं। ये देखें माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रेनोवेशन हो चुकी है मुकम्मल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की। रुकावट भी नहीं है, अंदर भी मैं जा सकता हूँ ग्राउंड के, लेकिन ये गीला है ग्रास, वो पानी वगैरह आई थिंक लगाया हुआ है इसको, तो मैं यहीं पे खड़े होकर वीडियो वगैरह बना रहा हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेनोवेशन हो चुकी है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की। तो आज थोड़ा ज़्यादा टाइम हमें यानी कि मिला है अंदर, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा स्टेडियम का फुल चक्कर आई लगा लिया जाए। उस दिन हम इवनिंग में आए थे तो आज हमें यानी कि ये दोपहर को आने की इजाज़त मिल गई है, तो इसलिए। बाकी माशाल्लाह मुल्तान के स्टेडियम का ग्रास बहुत लेवल का है, तो इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे यहाँ पे जो PSL के तीन मैचेस हैं उनमें। ये भी देख सकते हैं आप बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह स्टेडियम। ये आगे जो है ये हनीफ मोहम्मद इनक्लोजर है, जहाँ पे स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, इस इनक्लोजर की हमने टिकट्स वगैरह हासिल की हैं, वो आपको नज़र भी आ जाएगा हनीफ मोहम्मद इनक्लोजर लिखा हुआ। तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट मैं आपके साथ मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो पवेलियन है अंदर ड्रेसिंग रूम और जो VIP एरिया उसके अंदर की अंदर का व्यू आपके साथ शेयर करूँगा, तो उसके लिए आप हमारे साथ अपडेटेड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को उसकी अपडेट भी टाइम पर मिल जाए, वो मैं बहुत जल्द शेयर करूँगा, उसके लिए आप हमारे साथ स्टे ट्यून रहिए। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और आज की वीडियो में साकिब भाई ने ज़्यादातर एक्सप्लेन कर दिया था, तो मैंने सोचा मैं जो नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगा पवेलियन वाली और अंदर ड्रेसिंग रूम की, तो उसमें आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिए, देखिए बहुत हमें सारे ऑफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।